गांव इंद्री हल्के के गांव बुटान खेड़ी के लोगों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब खेतों में 3 से 4 फुट पानी जमा हो गया और निकासी के लिए बनाई गई पुलियां भी बंद मिली। तो इस बारे में किसानों ने प्रशासन को अवगत करवाया था, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसको लेकर लोगों ने रोष स्वरूप इंद्री कुशेत्र रोड को जाम कर प्रशासन में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर इंद्री तहसीलदार दर्पण काम्बोज पहुंचे। किसी तरह से उन्होंने लोगों को समझाया और मौके पर जेसीपी मशीन बुलाकर पुलिया को खोलने का प्रयास शुरू किया, तो फिर जाकर लोग शांत हुए। किसानों का कहना है कि अधिक बरसात होने के कारण खेतों में पानी 3 से 4 फुट तक जमा हो गया है, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना ही इसका कोई निकासी का कोई प्रबंध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों ने 50,000 से लेकर 60,000 तक की जमीन को ठेके पर लिया हुआ है और उसी जमीन में 3 से 4 फुट तक का पानी जमा हो गया है, ना तो पंचायत कुछ कर रही है और ना ही प्रशासन। वहीं पर तहसीलदार दर्पण काम्बोज ने कहा कि बरसात के कारण पूरे इंद्री हल्के में किसानों की फसलों में कई फुट पानी जमा है, उसको निकालने के लिए पीडब्ल्यू सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ली गई थी, जिसमें समस्या का समाधान करने के बारे में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही निकासी की समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। फ्लो आ गया तो इस कारण काफी एरिया है, कई गांव हैं जिनमें पानी का जलभराव ज़्यादा हो गया कृषि भूमि पर। तो इसके संदर्भ में जैसे बादशों में भी गाँव में कुछ एरिए में ज़्यादा पानी आ गया था जहाँ पर रिहायशी थे, तो हमने कंसर्न पटवारी को भी और सरपंच साहब को भी बताकर वहाँ से उनको जो अप्रोप्रिएट प्लेस था साथ ही लगता हुआ तो उसमें हमने शिफ्ट करा दिया उनको। तो अभी यहाँ पे स्थिति ये है कि पानी ज़्यादा है और पुलिया एक हाईवे की ये ब्लॉक है, मतलब कि नहीं हो रहा है। तो इसमें कंसर्न हम भी आए थे दोपहर को, SDM साहब भी थे मेरे साथ, तो हमने विजिट किया था। तो उधर से जो नाका कटा था वो तो कटा हुआ है, फ्लो में काफ़ी वाटर जा रहा है, लेकिन ये पुलिया ब्लॉक के कारण लोगों ने जाम लगा दिया सड़क। जैसी सूचना मिली तो हम पहुंचे यहाँ पर और इनको ये आश्वासन दिया है कि ये ब्लॉक जो कंसर्न ऑफिसर है उसको बुला के और मशीन को अभी खुलवा दिया। तो खुल जाएगी सर अभी? ये खुलेगी अभी, क्यों नहीं खुलेगी, जो एक्चुअली नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर तो कोई रोक नहीं सकता ना, इसलिए तो ये कन्विंस है सभी गाँव में इस पर करवा देते हैं। तो लगभग कितने गाँव में पानी है? गाँव तो बहुत हैं ऐसे, तो बदरपुर ये सर अपना खेड़ा भी, पटेड़ा भी, बादशों भी और सराउंडिंग विलेज जितने गडिस्तान भी, काफ़ी विलेज। तो पुलिया वाली समस्या और कहीं गई है जी? पुलिया वाली समस्या जैसे कैसे जहाँ भी थी हमने मीटिंग कंडक्ट की थी SDM साहब के अध्यक्षता में हमने दोपहर को, तो ये डायरेक्शन दे दी थी कंसर्नड इरीगेशन डिपार्टमेंट को और जैसे कि इसको PWD डिपार्टमेंट को भी कि कंसर्न जहाँ भी पुलियाँ ऐसी ब्लॉक हैं उनको खोल दें ताकि वो पानी थोड़ा डाइवर्ट हो जाए और कहीं ज़्यादा नुकसान ना हो पाए। और इसके बारे में सभी अधिकारी, फील्ड स्टाफ सभी फील्ड में हैं, इस संदर्भ में सारे कार्य कर रहे हैं, जहाँ भी सूचना मिलती है तो तुरंत पहुँच कर ये काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। क्या नाम? मेरा नाम सुभाष है जी। जी। और गांव बुटान खड़ी का रहने वाला हूँ जी। जी। बारिश ज़्यादा होने की वजह से किसानों की 3,000 एकड़ फसल जो बर्बाद होने लग रही, और प्रशासन के पास हम गए, SDM के पास गए, तहसीलदार के पास गए और मौके पे वो आए, लेकिन जो निकासी की पुलिया प्रशासन ना खुलवा कर गए, वापिस चले गए ऐसे, और ये मजबूरी में किसानों ने आना रास्ता जाम करना पड़ा। महामारी आ गई, पानी की निकासी होए और जो पानी के निकासी के रास्ते हैं वो खुलने चाहिए, नहीं तो हजारों एकड़ की किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी, ये इन लोगों के बच्चे भूखे मर जाएंगे। कम से कम 500 एकड़ का पंचायत के किलो का ठेका दे रखा, वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। 67,000 रुपये ठेका दे रखा। हम लोगों की मांग आ जोड़ कर विनती है कि इस पानी का समाधान किया जाए और पानी निकाला जाए, हम लोगों की मांग है। मेरा नाम शेर सिंह जी। क्या पानी रुक रहा? 55,000 ठेके वाले की जमीन लोगों ने पंचायत की आधार जमीन हर किसी मालकों का भी आ। अच्छा, तो वो सवेरे गए, तहसीलदार भी आया, SDM भी आया, SHO इंद्री भी आया, किसी ने कुछ नहीं करा, लगे कहना खलवा देंगे। पुलिया ये जो एक तरफ ना पानी है लिक रहा थोड़ा लिक रहा लग रहा, बढ़िया की तरफ ने उन्ना भी ऊंची पुलिया बना रखी और दूसरी तरफ ना पानी निकलना था जो वो बंद पड़ा। वो कहे भाई हम भी BJP के मालिक का, दूसरा कहे तो मैं भी BJP का मालिक हूँ, ये मारे गए हैं लोग, ये तो दोनों का नहीं BJP वाले हो रहे।